आप सामने की तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो अपनी पार्टी के ओबीसी मेंबर्स आए थे उनसे किस तरह से झड़प की जा रही है और अपना हक मांग रहे थे, संवैधानिक हक मांग रहे थे। तो इस तरह से प्रिटेंड हो रहा है कि ये जो है वो उनका शोषण किया जा रहा है। तो मैं आपको लगातार जो है वो विजुअल्स दिखाने का प्रयास कर रही हूँ। यहाँ पर जो है वो पुलिस और अगर हम बात करें तो उग्र प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रही हूँ तस्वीरों से कि अपनी पार्टी का ये जो प्रोटेस्ट है इसने काफ़ी उग्र रूप ले धारण कर लिया है और जो लोग हैं वो यहाँ से आगे की तरफ जाना चाहते हैं क्योंकि आप देखिए पुलिस द्वारा जो है एक व्यक्ति को यहाँ से पकड़ कर लेके जाया गया है। जिस तरह से मैं आपको बताऊं कि जो भी यहाँ पर जो है अपने हक की आवाज़ बुलंद करता है उसे यहाँ से जो है वो ले जाया जाता है। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देखने कि इनको ऐसा लग रहा है कि एक ही मात्र सिर्फ होप है जो सैयद अल्ताफ़ बुखारी है। तो आप देखिए इनको जो है वो गाड़ियों में लगातार भरा जा रहा है और ये अपने हक की मांग ही यहाँ पर कह रहे थे कि हमारे साथ जो है वो शोषण हो रहा है। देखिए तस्वीरें कुछ इस तरह से हैं, मैं जो आपको जम्मू के प्रेस क्लब से अपनी पार्टी के वर्कर्स आए थे आज यहाँ ओबीसी मोर्चा से ताल्लुक रखते थे आज उनको इस कदर जो है वो गाड़ियों में जो है वो उनको भरा जा रहा है। तो देखिए सैयद अल्ताफ़ बुखारी जी के नाम के जो नाम हैं वो बुलंद कर रहे हैं। तो सर अभी आप जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन हाय अपनी पार्टी जिंदाबाद अपनी पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन अपनी पार्टी यहाँ से जो है इस गाड़ी को भर कर ले जाया गया है। अपनी पार्टी का जो आज का प्रोटेस्ट था वो था कि ओएससी का सर्टिफिकेट दिया जाता है जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो दिया जाना चाहिए। 70% रिजर्वेशन में से कहा इन्होंने कि हमें 4% रिजर्वेशन ही जो है वो दी गई है। कहीं ना कहीं जो संविधान में लिखा गया है वो पूर्ण रूप से दिया तो जाना चाहिए। इस तरह से जो है अगर हम कहें संविधान जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसी की तोहीन है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए। ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशा कांचा तालाब।